हेलो दोस्तों, आज मैं फिल्म जवान का रिव्यू करने जा रहा हूँ। जवान पिछले शुक्रवार 7 सितंबर को 3 भाषाओं में रिलीज हुई है। शाहरुख खान की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह एक मास्टरपीस है। यह अपने मनोरंजक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए सराहना की पात्र है। इसमें शाहरुख के दो किरदार है, विक्रम राठौर और आजाद। यह एक मास एंटरटेनर है जो भ्रष्ट सरकार और पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ाई दिखाते हैं। फिल्म और इसमें निभाए गए सभी किरदार आउटस्टैंडिंग हैं। इसमें सोशल मैसेज है और साथ ही यह भावनाओं, प्यार, रोमांस, रहस्य और हंसी से भरपूर है। खूबसूरत एक्शन सीन वीमेन एम्पावरमेंट पर फोकस है। स्क्रीन पर शाहरुख खान की मौजूदगी हमेशा की तरह करिश्माई है। फिल्म का मुख्य आकर्षण डेमोक्रेसी है। एटली ने फिल्म का खूबसूरती और कुशलता से निर्देशन किया है। डायलॉग्स बहुत शक्तिशाली थे और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए गए थे। फिल्म में अनिरुद्ध का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बेहद रोमांचकारी था। जिंदा बंदा और चलैया बहुत अच्छे लगे। रेड सिलीज द्वारा VFX का काम इनक्रेडिबल है और टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे विजुअल इफेक्ट्स को संभालने में सर्वश्रेष्ठ है। नयनतारा अपने किरदार में बेहद खूबसूरत लग रही है। शाहरुख और विजय सेतुपति के बीच शब्दों, नैतिकता और टकराव देखना मजेदार है। एक्सटेंडेड कैमियो में दीपिका पादुकोण खूबसूरत और दमदार लग रही है। संजय दत्त की एंट्री एक सरप्राइजिंग गिफ्ट के रूप में हुई है। उनका संक्षिप्त भूमिका मनोरंजक और रोमांचक है। लड़कियों के टीम में नयनतारा, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, गिरिजा ओक और लहर खान शामिल है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। जवान सभी स्वादों और सामग्रियों से भरपूर एक पैसा वसूल देसी थाली है जो आपकी टेस्ट बड्स को संतुष्ट करेगी। कुल मिलाकर जवान एक अच्छी तरह से बनाई गई कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म है जिसमें दर्शकों और शाहरुख खान के प्रशंसकों को खुश करने के लिए सब कुछ है। यह एक अवश्य देखे जाने वाली फिल्म है।